चलिए गुड मॉर्निंग भैया, सभी लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी, आवाज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाँ नेट प्रॉब्लम हो गया था जरा सा। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी भैया शेयर कर दें आप लोग इसको। आ जाए सभी बच्चे, गुड मॉर्निंग, लाइक कर दीजिए भैया, 6 लोग हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए। तुरंत ही स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और बताएं आप लोग क्या हाल चाल है? सबसे पहले बढ़िया है साहब, कोरोना का माहौल तो हो रहा है खत्म अब धीरे धीरे, और अब उम्मीद बन रही है हम लोगों के कोचिंग खुलने की, तो बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत जल्द हम लोग ऑफलाइन भी मुलाकात करेंगे आपस में, है कि नहीं बताएं। चलिए अतुल, इसको रखा जाए इधर, ये हुआ। तो आप कैसे? बढ़िया भैया, आप लोगों को पता है काफी फीवर आ रहा था, सही हुआ, ठीक है, पकड़ लिया था यार ये टाइफाइड, ठीक है। तो जान रही समय टाइफाइड बहुत तीव्र गति से हो रहा है। चलिए स्टार्ट कर लिया जाए ना, तुरंत पढ़ाई लिखाई अपनी स्टार्ट किया जाए बिना बात किए। सर कोचिंग कब से खुलेगी? तो भैया बहुत जल्द कोचिंग खुलेगी, टेंशन ना लीजिए, बहुत दिन इंतजार किए हैं, 6 महीने आप लोग, 7 महीने, बस हड़िक जल्दी खुलने वाली है। या तभी तक आप लोग इसको अपने व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से चैनल अब बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नए सब्सक्राइबर्स इस पे लगातार आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने 60,000 टच किया था, बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब तो आप ठीक हैं? हाँ आप काफी हद तक हम ठीक हैं, और धीरे धीरे दवा चल रही है तो सही हो जाएंगे हम पूरी तरीके से। चलिए बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे भैया? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के ऊपर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं महाभियोग। क्या बताने वाला हूं? महाभियोग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में महाभियोग के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया भैया? महाभियोग। कहां पे बताया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61(1) में बताया गया है, महाभियोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है दोस्तों? महाभियोग के नाम से जाना जाता है। इतने बात समझ पाए बच्चों कि महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से अगर हटाया जाना, यह साधारण इंसान तो है नहीं कि जब मूड में आया जाके हटा दिए, ठीक है। हमारे देश का सर्वे सर्वा है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, देश का प्रथम नागरिक है, ठीक, कौन? राष्ट्रपति। बहुत सारी शक्तियों से लैस है, लेकिन ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है जो इसको पद से हटाना पड़ता है? अगर यह हमारे भारतीय संविधान का क्या करता है? अगर यह हमारे भारतीय संविधान का करता है उल्लंघन, अगर यह हमारे भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कंडीशन में इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। किसका उल्लंघन करता है? हमारे भारतीय संविधान का। अगर भारतीय संविधान का उल्लंघन करेगा तो इसको पद से हटाया जाएगा। अब पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? पद से हटाने की प्रक्रिया समझिए, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, सुनिएगा दोस्तों, चाहे तो
लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई एक सदन, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई एक सदन जो इसको हटाना चाहता है, अगर लोकसभा हटाना चाहता है तो लोकसभा, राज्यसभा हटाना चाहता है तो राज्यसभा, वह 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित, कितने हस्ताक्षर सहित, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित। सर जी आपकी क्लास इतने दिन क्यों बंद थी? भैया थोड़ा सा फीवर आ गया, बता रहे थे ना, थोड़ा सा फीवर आने की वजह से, इसी वजह से इतने दिन हमारी क्लास बंद थी। चलिए रोहित, अब इसमें क्या होगा, बहुत अच्छे से भैया सभी लोग समझिएगा। महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत ये है आपकी लोकसभा और ये है राज्यसभा। तो दोनों सदनों में से कोई एक सदन, ठीक, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई एक सदन जो इसको हटाना चाहता है, कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित 14 दिन पहले नोटिस देता है। किसको 14 दिन पहले नोटिस देगा? राष्ट्रपति को। किसको भैया? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देता है। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस क्यों दिया जाता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस इस वजह से दिया जाता है ताकि राष्ट्रपति भी उपस्थित हो सके। ठीक है यार, इतना बड़ा पद है, अगर अटेंडम पता चला, किसी को कह दिए कि कल सुबह आपको आपके पद से हटाया जाएगा, तो पता चला उसका हार्ट अटैक हो गया, गरिमा पूर्ण पद है, समझ रहे हो, भारत देश का प्रथम नागरिक है, गरिमा पूर्ण पद है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए, और हर आदमी को अपने आत्मरक्षा का अधिकार होता है, अगर उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाया जा रहा है तो गुड सर जी, धन्यवाद भैया पायल। तो इस वजह से यहाँ पे किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है, महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के उल्लंघन पे लगाया जाता है। बहुत अच्छे से बच्चों समझ लेना, यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है, अगर दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट चला गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कभी भूलोगे नहीं। चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई एक सदन 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देगा। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके देगा, उसके बाद राष्ट्रपति उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? राष्ट्रपति उपस्थित होता है, और अगर यह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, कितने बहुमत से? अगर यह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया तो यह लोकसभा से कहां जाएगा? राज्यसभा में। अगर लोकसभा ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया गया है वह सही है, तो वह लोकसभा से कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा भी जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी तो उसको उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा। किसको किसके पद से हटा हुआ माना जाएगा बोले? किसको पद से हटा हुआ माना जाता है? ऐसे कंडीशन में भैया राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ माना जाता है। ठीक है, बहुत गजब की चीज है, एक बार बहुत अच्छे तरीके सभी बच्चे समझ लेते हो यार, पढ़ता हर कोई है, सेलेक्ट वही होता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से किसी का क्लियर नहीं होता, उसी में लगता है वक्त, उसी में कभी कभी साल, कभी कभी 2 साल, कभी 3 साल लग जाता है, और बहुत बुरा लगता है जब आदमी सिलेक्शन नहीं ले पाता है। इसलिए जिंदगी में याद रखना, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कायदे से पढ़ो, पढ़ना है तो कायदे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ के बिजनेस कर लो, सही है, बीच मझधार वाला काम ना करना, कभी भी अपनी पूरी आत्मा परमात्मा ताकत बेच के समझ लो कि हमको 6 महीने के अंदर नौकरी लेनी है, और बैठ जाओ, पूरी क्षमता लगा दो, 6 महीने के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो चाहे तो फिर एक बार, काफी बच्चे नए आ चुके हैं, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क पे, और आज मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं महाभियोग। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग के नाम से जाना जाता है। अब इसका रीजन क्या है? कभी भी अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, किसका उल्लंघन करता है भैया? संविधान का उल्लंघन करता है,
संदीप गुप्ता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चे अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो, आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी सवाल पूछेंगे 100% जवाब आप लोगों को दूंगा। क्लियर? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कार्तिकेय सर की क्लास कब चलेगी? हाँ, कार्तिकेय क्लास सर की क्लास एक दो दिन के अंदर चलेगी। सर के मुंह में थोड़ा सा छाला हो गया है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, इंसान समस्याओं से ग्रस्त है, ग्रस्त होने के बावजूद भी पूरी क्षमता के साथ आदमी लगा रहता है, जैसे ही सही होता है तुरंत काम करता है। वही मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। बिल्कुल भैया। पायल पाल सर आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, हमारी तबीयत काफी हद तक सही है और मैं अब गड़बड़ भी नहीं होने दूंगा। तो एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद हम तुरंत आएंगे महत्वपूर्ण टॉपिक पे। महाभियोग सभी बच्चे सुन लो। राष्ट्रपति को एक प्रश्न यहाँ से प्रश्न सबसे पहले पूछता है, प्रश्न एग्जाम में आता है। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61 में। राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए कौन सा आधार जरूरी होता है? संविधान का उल्लंघन। किसका उल्लंघन? संविधान का उल्लंघन जरूरी होता है। अच्छा, कितने दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है? 1/4। अरे 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है। अगर 2/3 से पास हो जाएगा तो दूसरे जगह पे जाएगा 2/3। अगर दोनों जगह से पास हो जाता है, 2/3 से हस्ताक्षर हो जाता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ माना जाता है। इसी को कहा जाता है महाभियोग। क्लियर? फिर से सभी बच्चे एक बार समझ लें, उसके बाद तुरंत आगे चलेंगे। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई एक सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है। उसके लिए कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, और जब 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है तो उस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। जब लोकसभा से पास कर दिया जाएगा, अगर लोकसभा ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो राज्यसभा के पास जाएगा, और अगर राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ माना जाता है। सभी बच्चे बताएंगे याद हुआ, समझ में आया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ओके, बोलो भैया समझ में आया? आगे चले। चलिए आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब मैंने कल आप लोगों को ओके भैया, ओके गुड। चलिए अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी अगली पावर की बात यहाँ पे हो जाएगी, और अगली पावर होगी कार्यपालिक की शक्तियां। राष्ट्रपति को काफी पावर दी गई है। चलिए कार्य कार्यपालिकी शक्तियां हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां देखेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए सभी बच्चे, आ जाइए तुरंत। ये कौन आया है भैया? सबील मोहम्मद सर जी, इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन 92 में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद 1900। पंडित जी को किसने इलेक्ट किया था? पंडित जी को जो आपके उस समय सांसद चुन के आए थे, सांसद दल ने चुना था। किसने चुना था? सांसद दल ने। जो सांसदों का दल होता है, सांसद अपने बहुमत दल का नेता चुनता है, तो सांसदों ने बेटा चुना था। चलिए कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। मैंने पहले ही दिन आप लोगों को बताया था, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा जाइएगा, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पे जबरदस्त पूरी पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा के रखी है, उसको जरूर देखिएगा। जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह ऑल वन डे एग्जामिनेशन प्लेलिस्ट जाके ढूंढ लीजिएगा और वहां की सारी वीडियो देख लीजिएगा। गारंटी दे रहा हूं एकदम तबीयत खुश हो जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। वहां मैंने आप लोगों को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बहुत अच्छे से समझाया है। तो कार्यपालिकी का मतलब होता है लागू कराने वाली शक्तियां। कैसी शक्तियां? लागू, जो नियम कानून बनता है उसको लागू कराने वाली शक्तियों के संबंध में यहाँ बात किया जाता है। सबसे पहले है इसका पावर राष्ट्रपति का प्रशासन पे निगरानी रखने का अधिकार। किस पर भैया? प्रशासन। बहुत सारे बच्चे यहां होंगे जिनको प्रशासन और शासन में आज तक अंतर नहीं समझ में आया होगा।
ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो कि शासन का मतलब क्या होता है, जहां से नियम कानून बनता है। जैसे आपकी विधायिका होती है, तो विधायिका किसका अंग है? विधायिका है शासन का अंग। विधायिका किसका अंग है? शासन का अंग है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब किसके अंग है? शासन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शासन। प्रशासन का मतलब होता है सरकारी सर्विस में काम करने वाले लोग। सरकारी सर्विस में काम करने वाले लोग जो होते हैं वह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कोई शासनिक अधिकारी नहीं सुने होंगे, ठीक है, शासनिक अधिकारी नहीं सुने होंगे, प्रशासनिक अधिकारी। मतलब प्रशासन का मतलब होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको कहा जाता है प्रशासन से रिलेटेड होते हैं, ठीक बेटा। चलो पहला है कार्यपालिकी शक्तियां। गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को, एसएससी जेई। चलिए अब विभिन्न सरकारी अधिकारी जो होते हैं, विभिन्न जो सरकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का क्या कार्य है कि विभिन्न प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, इन सभी की नियुक्ति करना। महालेखा, परीक्षक, महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति करना बेटा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे राजनयिक अधिकार। कौन सा अधिकार दिया? राजनयिक अधिकार। सभी बच्चे हमसे तुरंत पूछेंगे राजनयिक अधिकार क्या होता है, तो सभी बच्चों बहुत ही आराम से आप लोग समझ लो, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजनयिक अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति। जैसे एक देश से दूसरे देश का अगर कभी भी कोई भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी संविदा होती है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हस्ताक्षर होता है वह किसका होता है हस्ताक्षर? वह राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वह राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। इसी को हम लोग राजनयिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। कौन सा अधिकार कहलाता है? राजनयिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप सैनिकों से संबंधित अधिकार भी जानते हो। किससे संबंधित बेटा? सैनिकों से। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जल सेना, थल सेना और वायु, तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में भी कौन है? तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में भी हम लोग राष्ट्रपति को जाना जाता है। और राज्य सरकारों को किसको भैया? राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार। राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार, तो प्रशासन पे निगरानी रखने का अधिकार है इसका, राजनयिक अधिकार है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, और राज्य सरकार को समय समय पे यह क्या कर सकता है? राज्य सरकार को समय समय पे दे सकता है नियम कानून बनाने के बारे में गाइडलाइन दे सकता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे देखेंगे, तो ये तो था कार्यपालिका, प्रशासन पे निगरानी रखना, तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में है, ठीक है, राजनयिक अधिकार है, राज्य सरकार को समय समय पे दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन दे सकता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कहां पे आएंगे? हम लोग देखेंगे विधायी शक्तियां। क्या देखेंगे? विधायी, विधायी शक्तियां। तो सबसे पहले आप समझो विधायी क्या होता है, उसके बाद शक्तियों के बारे में बात करेंगे। विधायी का मतलब भैया क्या होता है? विधायिका यानी जो नियम कानून बनाने के लिए जो अंग होता है संसद और राज्य, संसद और विधानमंडल, इसी को हम लोग विधायी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? विधायी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यह संसद की साधारण बैठक बुलाता है, और संसद की असाधारण बैठक भी किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद की असाधारण बैठक किसके द्वारा भी बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। असाधारण का मतलब कभी कोई अटेंडम कुछ हो गया। सही, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, ठीक भैया, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसके अलावा और भी है, जो धन विधेयक होता है वह धन विधेयक
विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक भैया, नीतीश श्रीवास्तव, सभी बच्चों को एक साथ बताएंगे, कोचिंग कब खुलेगी, परेशान न होइए, पढ़ा लेने दीजिए। ये हो गया धन विधेयक। क्या बेटा? धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व संस्तुति के बिना पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। और धन विधेयक को छोड़ के किसी भी विधेयक को अपने पास रोके रखने का पावर, राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है। किसको एक पावर दी गई है? राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि वह धन विधेयक के अलावा, किसके अलावा, वह धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को अपने पास रोके रख सकता है। कौन रोके रख सकता है? राष्ट्रपति। क्लियर? धन विधेयक के अलावा अगर कोई भी विधेयक है, धन विधेयक के अलावा अगर कोई भी विधेयक है तो वह उसे अपने पास रोके रख सकता है। ठीक बेटा, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी पावर देखेंगे, वित्तीय शक्तियां। कौन सी देखेंगे? वित्तीय शक्तियां। जरा ये बंद कर दे दरवाजा, आवाज आ रही है। वित्तीय शक्तियां हम लोग देखने वाले हैं ना। चलिए वित्तीय शक्तियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, आ जाइए। चलिए हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम लोग? वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत, ठीक है पायल, प्लीज भाई लाइक शेयर जरूर करें। बिल्कुल सर, किसी संगठन को बनाने का अधिकार, लेकिन उसका पंजीकरण होता है, नंबर ले लो भैया, सब बता देंगे, 87 37 00 59 18। ठीक है, 87 37 00 59 18 ले लीजिए। अभी आप कॉल करिएगा, एक प्रोसेस होता है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 के अंतर्गत इस संगठन का निर्माण किया जाता है। नीतीश श्रीवास्तव बिहार से हैं हम, ठीक है भैया, बिहार से हैं, बड़ी खुशी की बात है। बिहार से मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया धन विधेयक। अब इसके, ये हो गया विधायी शक्तियां। लोकसभा में 2 सदस्य आंग एंग्लो इंडियन से, राज्यसभा में 12 सदस्य कला साहित्य विज्ञान आदि के क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इतने बाद भी यह सभी बच्चों को समझ में आई होगी। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई भी विधेयक नियम कानून बनता है। किसके हस्ताक्षर से बेटा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक नियम कानून बनता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम तुरंत आप लोगों को बताएंगे वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां दोस्तों? वित्तीय शक्तियां। आप सभी बच्चों को पता है कि वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है पैसे के नाम से जाना जाता है। तो वित्त विधेयक या कोई ऐसा विधेयक जिसका संबंध संचित निधि से हो, ठीक, वित्त विधेयक या कोई भी ऐसा विधेयक जिसका संबंध संचित निधि से हो, वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक, वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना सदन में पेश नहीं किया जा सकता। और प्रतिवर्ष जो बजट पेश किया जाता है, ठीक है, बजट, वह राष्ट्रपति के गाइडलाइन में ही पेश किया जाता है। बजट किसके गाइडलाइन में पेश किया जाता है? प्रस्तुत कराने का जो अधिकार, हाँ अभी हमारा ही मैटर यूनिवर्सिटी का था जो मैं आपसे बात किया था। अच्छा चलिए सर, हम भी ना, चलिए पायल सर हम भी ना, आप भी बिहार से हो बेटा, चलिए बड़ी खुशी की बात है, बिहार के बच्चे अपने साथ जुड़ रहे हैं। देश की आकस्मिकता निधि पर, कहां भैया? देश की आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण, आकस्मिकता, ठीक, देश की आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? देश की आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब देखो, राज्य में करों का निर्धारण कहां पे भैया? राज्य में धन का वितरण, जो जैसे आपका राज्य नहीं होता है, राज्य होता है तो टैक्स से जो पैसा मिलता है, तो टैक्स का जो बंटवारा किस तरीके से किया जाए या किसके गाइडलाइन में होता है? राष्ट्रपति के गाइडलाइन में किया जाता है। इसके बाद जैसे ही बेटा आप लोग आगे बढ़ोगे, आप देखोगे न्यायिक शक्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जिसको क्षमा दान की शक्ति के नाम से जाना जाता है, क्षमा दान। तो बेटा राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह मृत्यु दंड से दंडनीय किसी भी मामले में क्षमा दान दे सकता है। किसको पावर दी गई है? राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह मृत्यु दंड से दंडनीय किसी भी मामले में क्षमा दान दे सकता है। कैसे मामलों में? मृत्यु दंड से दंडनीय मामलों में क्षमा दान देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? किससे संबंधित मामलों में? मृत्यु दंड से दंडनीय मामलों में क्षमा दान देने की शक्ति का प्रावधान किया गया। क्लियर? चलिए बेटा, तो ये था आप लोगों का, किससे रिलेटेड था? ये था क्षमा देने की शक्ति। ठीक है, मृत्यु दंड से दंडनीय मामलों में वह तो क्षमा दे सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, घटा सकता है, उसका परिमार्जन कर सकता है, यानी उसका रूप बदल सकता है। लघुकरण का मतलब जैसे जहां पे फांसी की सजा है वहां उसको और कम भी कर सकता है, जहां पे फांसी की सजा है वहां पे क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, चलिए। अनुज कुमार कुशवाहा यहाँ तो नहीं है भैया, अनुज कुमार कुशवाहा कोई? चलिए ये हो गया, आ जाइए। तो ये था अनुज कुमार कुशवाहा कोई, यहाँ ये सारी चीजें हो गई ना वित्तीय। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे, क्षमादान याद रखिएगा, कभी कभी भूलवश या किसी भी कारण से अगर कोई हो जाता है। अच्छा, बिहार के भैया लोग सरकार को अच्छे से चुनिए। हाँ भाई, आप लोग एकदम बिहार में अच्छी सरकार बनाइए जिससे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी स्टूडेंट से मेरा भी यही अनुरोध है कि जो भी बच्चे होंगे अपना, आप ऐसी सरकार लेके आइएगा भविष्य में जो कम से कम हमारे नवयुवकों को, हमारे बच्चों के विकास पे ध्यान दे, उनकी बेरोजगारी की समस्या से उनको दूर करे। क्योंकि इस समय चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई उस स्तर पे, इन लोगों ने इतने दिन इन लोगों ने सरकार चलाया, कोई कायदे से बड़े पैमाने पे सर्विस नहीं आई, सारी सर्विस इन लोगों ने अटका के रखा, जिसके वजह से बच्चे इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, आपको वैकेंसी की प्रक्रिया बनानी चाहिए, आपको इस चीज का निर्धारण करना चाहिए कि हम हर साल, हम एक ही साल 50,000 वैकेंसी नहीं देंगे, हाँ लेकिन हम हर साल 10,000 वैकेंसी जरूर देंगे जिससे हर बच्चे के मन में पढ़ाई की भावना जागृत रहे। ठीक भैया, चलिए आगे आ जाइए। भाई सभी लोग, क्षमादान की शक्ति हो गई ना, क्षमादान की शक्ति मैंने बता दिया। अब आप लोग देखेंगे कौन सा, आपातकाल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों देखने वाले हैं हम लोग? आपातकाल, आपातकालीन, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी प्रोविजन। तो भैया मेरे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 360 और 356, यहाँ 356 लिखते रहे, 352, 356 और 360। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 356, 360 यह राष्ट्रपति को कैसी अधिकार देता है? यह राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां, मतलब अगर हमारे देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन हो, 360 में वित्तीय आपात है, 356 में बताता है कि अगर हमारे हमारे देश का संविधान, हमारे जो है 356, जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो उस राज्य के राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जा सकता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उस राज्य में क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसको भैया? राष्ट्रपति को क्या जारी करने की शक्ति है दोस्तों? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आप लोग बहुत सुने होंगे। ठीक, सभी बच्चों को मैं यहाँ बहुत कायदे से बताना चाहूंगा अध्यादेश किसे कहा जाता है। ठीक है, अध्यादेश सभी बच्चे समझेंगे बहुत ही इत्मीनान से। बच्चों मैं 20 बार बता चुका हूं, नियम कानून बनाने के लिए
कोई भी विधेयक पहले लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मारेगा सिग्नेचर और राष्ट्रपति मारेगा सिग्नेचर तो बन जाएगा नियम कानून। लेकिन अगर बाय द वे लोकसभा राज्यसभा की बैठक न बैठी हो, ऐसे कंडीशन में कोई भी नियम कानून बनाना बहुत ही जरूरी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जा सकता है, नियम कानून बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पे। किसके कहने पे? केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पे एक आदेश लागू किया जाता है, इसे कहा जाता है अध्यादेश। क्या कहा जाता है? अध्यादेश। और ये अध्यादेश कब तक लागू रहता है? ये अध्यादेश प्रथम बैठक से, कब से भैया? प्रथम बैठक से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। किसकी प्रथम बैठक? जब भी संसद की यानी लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम बैठक होगी तो उस दिन से लेके ये कितने दिन लागू रहता है? 6 सप्ताह तक लागू रहता है। सभी बच्चे बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के बारे में बात कर रहे हैं, इसे कहा जाता है अध्यादेश। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब लोकसभा राज्यसभा की बैठक न बैठी हो, कोई नियम कानून बनाना बहुत ही जरूरी है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के कहने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पे राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, जिसे कहा जाता है अध्यादेश। क्या कहा जाता है? अध्यादेश। और इस अध्यादेश की अवधि कितने दिन होती है? इस अध्यादेश की अवधि जब तक लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं बैठेगी तब तक भैया यह चलता रहेगा। जब तक लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं बैठेगी तब तक यह चलता रहेगा, लेकिन जब इसकी बैठक बैठती है तो 6 सप्ताह के अंदर, कितने दिन के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर इसकी की बैठक होना बहुत ही जरूरी है। अगर 6 सप्ताह के अंदर इसको अनुमोदित कर दिया गया, इस अध्यादेश को, जैसे लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति ने अध्यादेश लागू कर दिया, तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक की लोकसभा राज्यसभा की बैठक न बैठे, लेकिन जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम बैठक बैठेगी उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर इस पे अनुमोदन करना, मतलब स्वीकृति देना आवश्यक होगा। अगर अनुमोदन दे दिया गया तो यह हमेशा के लिए नियम कानून बन जाएगा, और अनुमोदन नहीं दिया गया तो यह समाप्त माना जाएगा। यह क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। ठीक भैया, तो सभी बच्चों आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। कल हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा जिसको कहा जाता है उपराष्ट्रपति। अच्छा, जितने बच्चे सुन रहे हैं बहुत आवश्यक सूचना सुन लो, मैंने इंडियन पॉलिटी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, जो आपके वन डे एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है। यहां तो आप लाइव पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है, कोई भी एग्जाम किसी भी लेवल का हो, तो आप जाना, सर्च करना, एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है, 1 रुपया नहीं है, लेकिन गारंटी दे रहा हूं कि कोई देख लेना उस लेवल पे पढ़ाया नहीं होगा। कई प्लेलिस्ट बनी हुई है, आईएएस के लिए भी है, जगह जगह पे है, आप सीधे जाइएगा जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह ऑल वन डे एग्जामिनेशन, जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह ऑल वन डे एग्जामिनेशन, मतलब मैंने अपने लाइफ का सबसे बेहतरीन लेक्चर वहां पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। बात समझ में आया? यहां तो जैसे हम बीच बीच में बात करते रहते हैं, नहीं, एकदम बेहतरीन। वहां पे जाइएगा, उस प्लेलिस्ट को सर्च करके एक बार जरूर सारी वीडियो देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ा हूं। अगर आप उतनी वीडियो देख ले गए तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको पॉलिटी के अंदर कोई टक्कर देने वाला नहीं बचेगा। चलिए, पायल पाल सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भैया, थैंक यू, आप सभी लोगों का शुक्रिया। ठीक है, आज थोड़ा सा हम एक आध दो दिन आप लोगों को यही 30-40 मिनट तक की क्लास लेंगे, 50 मिनट तक की क्लास लेंगे, उसके बाद हम जरूर आपका समय बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा और स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो हम आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। ठीक, अभी 40 मिनट तक की क्लास होगी। ठीक, चलिए, तो सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद। अनुपम यादव।